What's up guys, it's me fitness tycoon Karan Rajput and you're watching my channel. तो आज की जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट. ये हमारा वीडियो होने वाला है हमारे मिथ बस्टिंग सीरीज का वीडियो नंबर 3. पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ और टॉपिक डिसाइड करूंगा बट मुझे एट द एंड इस टॉपिक को चुनना ही पड़ा. इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका था बट मुझे लगा कि वो वीडियो काफी नहीं था आप लोगों के लिए समझने के लिए और काफी सारे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे. यूजली मैं कमेंट सेक्शन को चेक नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं बट जब मैंने अभी रिसेंटली चेक करा तो मैंने कमेंट देखा, एक नहीं मैंने बहुत सारे कमेंट देखे इस टॉपिक के रिगार्डिंग. और ये जो टॉपिक था बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर रहा था और इस टॉपिक की वजह से जो काफ़ी सारे लोग थे, टीनेजर्स थे, यहाँ तक कि 25 से लेकर 30 ईयर्स के लोग भी थे, उनको लगता था कि यार उनको या फिर लगता है कि अगर आपको जिम स्टार्ट करना है तो पहले आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा. जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैस्टरबेशन का. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डज मैस्टरबेशन कॉज मसल लॉस. क्या मैस्टरबेशन से मसल लॉस होता है? ये बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है एंड जितना मैं इसका आंसर दूँ उतना शायद आप लोगों के लिए कम है. तो मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ढंग से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले मैं आपको सीधा और सिंपल आंसर देता हूँ, नो मैस्टरबेशन डज नॉट कॉज मसल लॉस. ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैस्टरबेशन से कोई भी मसल लॉस नहीं होता है. अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स देखते हो या फिर प्रोफेशनल एथलीट देखते हो जिनकी बॉडी में अच्छा खासा मसल होता है, उनकी एज 30, 35, 40 होती है, उनकी शादी हो चुकी रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, तो क्या वो सेक्स नहीं करते हैं? क्या उनकी वाइफ नहीं होती हैं? दे डू हैव द वाइफ, दे डू हैव सेक्स, तो क्या उनकी बॉडी में मसल नहीं होता है? अब यहां पर आप पूछोगे कि मैं सेक्स और मैस्टरबेशन को कैसे रिलेट कर रहा हूं. मैस्टरबेशन और सेक्स दोनों एक ही चीज होती है, बस आपके पास मैस्टरबेशन में कोई पार्टनर नहीं होता है, सेक्स में आपके पास कोई पार्टनर होता है. दैट इज इट. सेक्स और मैस्टरबेशन ये इंसानों को, जानवरों को, कीड़ों को, मकेड़ों को, मच्छरों को, मक्खियों को, सबको दे रखा है भगवान के द्वारा, है ना. तो आप अकेले नहीं हो दुनिया में. अगर आप इस चीज को सोच के अगर आप जिम स्टार्ट नहीं करते कि आपको मैस्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा तभी आपकी बॉडी बिल्ड होगी, तो सबसे बड़े हो आप. आपको इस बात को समझना पड़ेगा. ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको लगता है कि मैस्टरबेशन से ही उनकी बॉडी का वेट कम है, वो कमजोर हैं. एक्चुअल में मैं आपको वजह बताऊंगा कि आपका वेट कम क्यों है और मैस्टरबेशन किस तरीके से रीजन हो सकता है आपके वेट कम होने का. बट मैस्टरबेशन से कोई भी साइंटिफिक वे में मसल लॉस नहीं होता है, ना ही मैस्टरबेशन आपकी बॉडी को हार्म करता है. मैस्टरबेशन से कोई भी मसल लॉस नहीं होता है और ना ही आपके सेक्स से कोई मसल लॉस होता है. दोनों एक ही चीज होती हैं. दोनों में एक चीज का डिफरेंस होता है कि मैस्टरबेशन में कोई पार्टनर नहीं होता है, सेक्स में आपके पास एक पार्टनर होता है. दैट इज इट. उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है. अगर मैस्टरबेशन से मसल लॉस होता तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो शायद कभी शादी ही नहीं करते, उनके बच्चे ही नहीं होते, उनका कोई पार्टनर ही नहीं होता. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. अगर आपको लगता है आपकी बॉडी का वेट कम है या फिर आप कमजोर हो क्योंकि यू मैस्टरबेट या फिर आपको मैस्टरबेशन का एडिक्शन है, तो मेरे भाई आपको प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मैस्टरबेट करते हो, आपको ही प्रॉब्लम ये है कि आप फ्री रहते हो. ज्यादातर मैस्टरबेशन का एडिक्शन टीनेजर्स और उन लोगों को होता है जो फ्री होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यू मैस्टरबेट व्हेन यू आर फ्री. अगर आप अपने रिलेटिव्स में बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि आप अंडरवेयर उतार के मैस्टरबेट करोगे. ऑब्वियसली यू आर बिजी इन सम वर्क. आप किसी काम में बिजी हो तो आप ऐसी चीजें नहीं करोगे ना. अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपके हाथ में फोन है, आपके पास कोई काम नहीं है, आपका स्केड्यूल नहीं है, जिंदगी में कुछ करने को नहीं है, आप फालतू वीडियो देखते रहोगे, तो आप मैस्टरबेट करोगे और क्या करोगे आप लाइफ में, और क्या करोगे आप लाइफ में? और ऐसा बंदा जो सिर्फ मैस्टरबेट करता है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो बंदा अपनी डाइट पे भी क्या ध्यान देगा? आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते होगे ना, आप एक्सरसाइज करते होगे, तो आप क्या करोगे? अपनी बॉडी को कहां से गेन करोगे? आपको लगता है जो बंदा इतना फ्री होगा, जो मैस्टरबेशन डेली करता होगा, उसके पास इतना टाइम होगा कि अपनी डाइट पे ध्यान दे? क्योंकि उसका दिमाग ही वही है. वो कमजोर तो होगा ही, वो इसीलिए नहीं कमजोर होगा कि वो मैस्टरबेशन करता है, वो इसीलिए कमजोर होगा क्योंकि वो बेवकूफ है. वो अपना टाइम अपनी बॉडी को नहीं देता, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो डाइट को फॉलो नहीं करता, वो सही से खाना नहीं खाता, उसके पास फालतू टाइम रहता है और जिस फालतू टाइम में वो फोन उठा के ये गंदगी करता है. सो अगर आप मैस्टरबेशन के एडिक्ट हो, इसका मतलब आप फालतू इंसान हो, आपके पास फालतू टाइम पड़ा हुआ है ये चीजें करने के लिए. मैस्टरबेशन के कुछ नुकसान हो सकते हैं अगर आप इसके एडिक्ट हो, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है,
बट मैस्टरबेशन से आपको मसल को कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक कमेंट आता है मेरे यूट्यूब के ऊपर कि मैस्टरबेशन करने से आपका जिंक निकल जाएगा सीमन में, बहुत सारा जिंक निकल जाएगा, मिनरल्स निकल जाएंगे और इतना मिनरल्स आपको खाने से नहीं मिलेगा, वीकनेस आ जाएगी और कमजोर हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं ये लोग। आप मतलब कोई कॉमन सेंस है आप में, दिमाग है आपने? जिंक का मैं बता रहा हूं आपको, एक नॉर्मल विमेन को 8 ग्राम जिंक चाहिए होता है एक दिन में, ओके, और एक नॉर्मल मेल को कम से कम 11 ग्राम जिंक चाहिए होता है। और जब आप मैस्टरबेट करते हो तो आपका 1 ग्राम जिंक जाता है। तो अगर आपको जिंक का पूरा लॉस करना है, आपको हर दिन एक महीने तक 10 बार मैस्टरबेट करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरी बॉडी का अच्छे से जिंक निकाल पाओगे सीमन से, जो आप चाह रहे हो, है ना। और फिर लोग बोलते हैं कि जिंक हमें खाने में नहीं मिलता। यार आप थोड़ी रिसर्च करो, नट्स में इतने जिंक होता है, आपके काजू में सबसे ज्यादा जिंक होता है, आपके वेजिटेबल में जिंक होता है, आपके दाल में जिंक होता है, आपके छोले में जिंक होता है, आपको पता ही नहीं है यार। आप बस कहीं से कुछ भी पढ़ लेते हो, दिमाग में डाल लेते हो, कुछ रिसर्च नहीं करते हो और बेवकूफों की तरह कुछ भी फॉलो करते हो और बात मान लेते हो या फिर खुद को मनवाते हो कि मैं मैस्टरबेशन एडिक्ट हूं, मेरी बॉडी का वेट गेन नहीं हो सकता, मुझे जिम भी नहीं जाना। इसी वजह से बहुत सारे लोग नीचे रहते हैं, दे नेवर ट्राई टू ग्रो। मैस्टरबेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है आपके फिटनेस से। एक और पॉइंट मैं यहां पे बोलूंगा, लेकिन अगर आप मैस्टरबेशन के एडिक्ट हो तो उसको छोड़ो, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, आप फ्री हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप मैस्टरबेशन के एडिक्ट हो, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी बुरी आदत है, आप फ्री हो। और एक और मैं यहाँ पे चीज को हाईलाइट करूंगा, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे लोग जो होते हैं ना, उनको स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। मैं एग्जांपल दूं, अगर एक मोटा इंसान है, हेल्दी इंसान है, तो वो ज्यादा खाना इसलिए खाते हैं जब उनको स्ट्रेस होता है तो उन्हें बेहतर फील होता है। ये अक्सर फीमेल्स में भी होता है, अगर उनको स्ट्रेस होगा तो वो और खाएंगी, उन्हें अच्छा लगता है खाना, उससे उनका स्ट्रेस कम होता है। ये स्मोकिंग में भी होता है, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्मोक करते हैं, कुछ लोग मजे में स्मोक करते हैं, कुछ लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो उनको स्ट्रेस कम करने के लिए वो स्मोक करते हैं। और वहीं पे मैस्टरबेशन भी सेम रोल प्ले करता है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, काम नहीं होता है, तो जाके मैस्टरबेट करते हैं क्योंकि उनको वो स्ट्रेस रिलीज करता है। तो आपको अपनी लाइफ पे काम करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, प्रॉपर डाइट को इंटेक करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन को इंटेक करना है, प्रॉपर स्टडी करनी न्यूट्रिशन के बारे में, उससे आप फिट रहोगे ना। अगर जो बंदा इतनी चीजों पे ध्यान देगा, अपने डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपने फूड पे, बंदे के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मैस्टरबेट करे हर रात, उसके पास बहुत काम होगा भाई। और जब आप अपने लाइफस्टाइल और फूड पे अपने आप ध्यान देने लग जाओगे ना, वो चीज अपने आप कम हो जाएगी। और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं यार, मैंने देखा है कि बोलते हैं, मेरे को मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने ना मैस्टरबेशन बिल्कुल बंद कर रखा है एक महीने से, लेकिन अब मुझे नाइटफॉल होना शुरू हो गया है। अरे यार, मैंने बताया मैस्टरबेशन समथिंग विच इज गिवन टू एवरीवन। जो मैस्टरबेशन है वो सीमन बेसिकली वो आपका आना ही है। अगर आप यंग हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 साल के बंदे हो, तो आपके हॉर्मोन्स पीक पर होंगे एंड यू विल फील लाइक हैविंग सेक्स और मैस्टरबेटिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके एडिक्ट हो जाओ, आपके पास जिंदगी में और भी चीजें करने के लिए है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको टोटली बंद कर दो, उसको टोटली बंद करोगे आप फोर्सफुली तो वो आपको नाइटफॉल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग वो आपके हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो अपने आप ही हो जाएगा यार। आप सोते रहोगे अपने आप हो जाएगा, फिर आप सुबह उठ के डर जाओगे ये क्या हो गया भाई, डॉक्टर के पास जाओगे। सो यूज योर ब्रेन। मैस्टरबेशन डज नॉट हैव एनी रिलेशन इफ यू आर मैस्टरबेशन एडिक्ट पर्सन। आप बहुत फ्री हो, और अगर आपको नाइटफॉल्स का इश्यूज हो रहा है तो आपको हॉर्मोनल इश्यूज हो रहा है। और अगर आपने भी मैस्टरबेशन को बंद कर रखा है इस मिथ के चलते कि मैस्टरबेशन से आपकी बॉडी में बहुत मसल लॉस हो जाएगा, तो आपको भी नाइटफॉल होगा, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। सो दिस वॉज माई स्मॉल वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा, जिंक वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, कोई जिंक लॉस नहीं होता है ना, ये सब बकवास मिथ वगैरह में आप मत जाओ। अपनी डाइट पे ध्यान दो, मल्टी वाइटमिन इनटेक करो, फूड इनटेक करो, नट्स इनटेक करो, होल ग्रेन इनटेक करो, आपकी बॉडी अपने आप डेवलप करेगी। एक्सरसाइज करो, बॉडी अच्छे हार्मोन रिलीज करेंगी, आपको बेटर फील होगा एंड यू विल बी एबल टू लुक गुड, फील गुड। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू हैव लाइक माई कॉन्टेंट एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज फिटनेस टाइकून। यू कैन टेक माई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल,
और आप मुझे YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, वॉच माई अदर वीडियोज़ टू.